साई की बात। बच्चे तब तक लड़ो मेरे बच्चे जब तक मेरे बच्चे तुम्हारे जीत का डंका ना बजाया जाए। मेरे बच्चे जिन लोगों ने मेरे बच्चे तुम्हारा सुख चैन नींदे सब छीन ली है ना मेरे बच्चे, वो कैसे चैन से बैठ सकते हैं मेरे बच्चे। मैं उन्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं बैठने दूंगा। तुम तो बस अपनी जीत की तरफ चलते जाओ मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हारी जीत होगी ना मेरे बच्चे, उस दिन मेरे बच्चे तुम्हारे साईं को भी बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत खुशी होगी। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ना मेरे बच्चे पानी बहुत कम पीने की आदत है, तो थोड़ा पानी पीने की आदत डालो मेरे बच्चे। थोड़ा सा पानी पिया करो, थोड़ा थोड़ा कर कर पिया करो, लेकिन पिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें पानी पीने को बताया गया है और तुम पानी नहीं पीते हो, तो पानी पिया करो मेरे बच्चे, पानी पिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना डरो मत मेरे बच्चे। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना मेरे बच्चे, वो कभी भी मेरे बच्चे अब गलती से भी तुम पर दोबारा वार नहीं करेगा। क्योंकि अब वो समझ चुका है कि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे। अब ना मेरे बच्चे वो तुम पर चाहकर भी वार नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि उन्होंने कई साल निकाल दिए, कई साल दूसरों को खुश रखने में, दूसरों की चीज़ों को पूरा करने में। वो हमेशा दूसरों की छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनकी आदतों का ख्याल रखते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। वो हमेशा दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हैं हमेशा। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से मेरे बच्चे तुम अपने आप को सर्वोपरि रखोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे, और जो तुम्हें पसंद है ना मेरे बच्चे, अब वो करोगे मेरे बच्चे। तुम अब तक ना एक पिंजरे में कैद होते आए हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं, अब ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा मेरे बच्चे। अब तुम्हें खुलकर अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, खुशियों भरी ज़िंदगी जीनी होगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे बच्चे जो व्यवस्थित नहीं है मेरे बच्चे, तो उन्हें मेरे बच्चे व्यवस्थित ढंग से रखना शुरू करो मेरे बच्चे, शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे काम के कारण, तुम्हारे व्यस्त होने के कारण तुम घर पर ध्यान नहीं दे पाते हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे जब भी तुम्हें छुट्टी मिले मेरे बच्चे, तब तो अपने घर पर ध्यान रख सकते हो ना। तो एक दिन ऐसा निकालो मेरे बच्चे जब तुम अपने घर की अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से कर सको मेरे बच्चे, सही तरह से कर सको। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिस काम को मेरे बच्चे तुम करने में डर रहे हो ना, वो काम इतना कठिन नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है अभी शुरुआत है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे। लेकिन जब तुम करोगे ना और अनुभवी इंसान के साथ बैठोगे, समझोगे ना मेरे बच्चे, तब तुम्हें वही काम सरल नज़र आएगा। धीरे धीरे कर कर मेरे बच्चे वो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तुम कर कर देखो मेरे बच्चे, डरो मत। अगर डरोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर सीखना चाहते हो ना तो तुम सीखोगे मेरे बच्चे, और तुम इतना सीखोगे ना कि कोई तुम्हें मात नहीं दे पाएगा। तुम सीखो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन है और तुम सीख भी सकते हो। तुम बस मेरे बच्चे अपना मन बना लो, एक बार अपना मन बना लो, मन में ठान लो कि तुम्हें वो करना है, तो मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और जब भी उस नए काम को सीखने जाओ ना, तो माथे पर उदी ज़रूर लगाना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी बुद्धि को तीव्र कर दूंगा मेरे बच्चे, इतना तीव्र कि तुम चीज़ों को मेरे बच्चे एक बार में ही समझ जाओगे, और तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो और भी मेरे बच्चे तीव्र गति से काम करेगी मेरे बच्चे। तुम्हें बार बार किसी से पूछने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक बार में ही समझ जाओगे। और एक बार मेरे बच्चे तुम उस काम में खिलाड़ी बन गए ना, फिर देखना मेरे बच्चे बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत उन्नति करोगे। डरना बंद करो और उस काम को करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, उस काम को करो मेरे बच्चे, शुरुआत कर दो आज से ही और अभी से मेरे बच्चे, कल पर टालो मत। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो हर चीज़ को कल पर टाल देते हैं, तो कल पर टालना बंद करो मेरे बच्चे। तुम्हारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, बहुत दिनों से तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन उन कामों को करना शुरू करो मेरे बच्चे। अगर नहीं करोगे तो और भी बहुत सारे काम रहते चले जाएंगे, और जब मेरे बच्चे तुम्हारे पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे उन कामों को कर पाओगे मेरे बच्चे, कैसे उन सबको निपटा पाओगे।
एक एक करके निपटाना अभी से शुरू करो, तब जाके मेरे बच्चे तुम उन सब कामों को ख़त्म कर पाओगे, समझे ना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे यंत्र में बैठकर खेल खेलते रहते हैं ना, कभी ये खेल कभी वो खेल, तो मेरे बच्चे इन फालतू कामों से अच्छा है कि तुम साईं सचरित्र पढ़ो। अगर तुम साईं सचरित्र नहीं भी पढ़ना चाहते ना, तो अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो ना मेरे बच्चे, पुस्तकें पढ़ो जिससे तुम्हारा मनोबल बढ़े, जिससे तुम्हारी बुद्धि बढ़े मेरे बच्चे, जिस कारण तुम्हारा ज्ञान बढ़े, तुम आगे से आगे बढ़ो ना मेरे बच्चे। तुम्हारा जो मनपसंद विषय है मेरे बच्चे, उस विषय में पुस्तक पढ़ो ना मेरे बच्चे, आगे से आगे बढ़ो, जो तुम्हारा मन करता है ना वो करो। तुम्हारे साईं ने तुम्हारे पैरों में कभी बेड़ियाँ नहीं डाली, कभी तुम पर रोकथाम नहीं की मेरे बच्चे, तुम्हारा जो मन करता है जैसा मन करता है ना वो करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों को याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा टीका लगने का समय था मेरे बच्चे, जो तुम भूल गए हो, तो याद दिला दिया तुम्हें। अपना जाके मेरे बच्चे समय से टीका लगवाया हो, जाके समय से मेरे बच्चे, सुना ना, और समय निकालो मेरे बच्चे। तुम टाल देते हो और टालने के बाद तुम भूल जाते हो, फिर मुझे ही तुम्हें याद दिलाना पड़ता है बार बार मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो गर्भ अवस्था में है। सुनो मेरी बच्ची, जो तुम्हारी औषधियाँ हैं ना, जब तुम औषधि लेते हो ना मेरे बच्चे, तो साथ में उदी और उदी जल लिया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगी ना, तो तुम्हारे बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद मेरा प्राप्त होगा। और जब भी तुम साईं सचरित्र पढ़ती हो ना मेरी बच्ची, तो अपने पेट पर रख कर पढ़ा करो, तुम्हारे बच्चे को भी बहुत सारा आशीर्वाद जाएगा मेरा, बहुत सारा आशीर्वाद। और उस बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार भी आएंगे मेरे बच्चे, वो मेरा ही रूप निकलेगा मेरे बच्चे, मेरा ही रूप। और जब बाहर आएगा ना इस दुनिया में, तो वो आते ही साईं साईं मुझ में लीन हो जाएगा, मेरे चरणों में लग जाएगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साईं को ही पुकारे, मुझे ही बाबा कहे। तो ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, वो संस्कार अभी से देना शुरू कर दो। तुम्हारा बच्चा सब समझता है, सब जानता है मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरे आशीर्वाद से हुआ है, और मेरा आशीर्वाद हमेशा उस पर होगा, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो लड़का लड़की में भेद करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जानते हो, मेरे लिए लड़का और लड़की दोनों समान है मेरे बच्चे। जितना लड़का कर सकता है ना, उतना लड़की भी कर सकती है मेरे बच्चे। बल्कि माँ बाप का ख्याल मेरे बच्चे लड़कों से ज़्यादा लड़की बहुत अच्छा रखती है, और मैं अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी बच्ची की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना उसकी शिक्षा की और ना उसकी शादी की। जब बाबा बैठा है ना उसका, जब मैं बैठा हूँ, तो किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बच्ची को पार खुद लगाऊंगा, उसे बहुत अच्छा घर दिलवाऊंगा, और ऐसा घर होगा ना जहाँ उस बच्ची की मान सम्मान सब कुछ मिलेगा उसे, सब कुछ। और वो चाहती है ना कि आगे चलकर वो अपने पाँव पर खड़ी भी हो, तो वो अपने पाँव पर खड़ी भी होगी, क्योंकि मैं उसे उसके पाँव पर खड़ा करूँगा। मैं हर एक चीज़ करूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरी भी बच्ची है, मैं उसकी सारी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, सारी ज़िम्मेदारी। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो रहा है ना मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर मैं तुम्हारी सारी दवाइयाँ बंद करवा दूँगा मेरे बच्चे, बंद करवा दूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।